एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गजल जवाद चैनल। क्या हाल चाल है सबके? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। यार ये लाइन मुझे रट गई है, यकीन करें। क्या हाल चाल है सबके? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं। पहले तो इस चीज़ का जाके जवाब दे देना कमेंट में कि क्या चल रहा है जिंदगी में। ठीक हैं, घरों पर अपने खुश हैं, सर्दियां जा रही हैं, गर्मियां आने वाली हैं, उसकी आमद आमद की कोई तैयारी है कि नहीं है, क्या चल रहा है जिंदगी में? पहले तो ये फौरन से जवाब दे दें। और दिन हमारा शुरू हो चुका है आज, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपकी बहन रोशनी रोशनी में उड़ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपनी रूटीन ठीक कर रहे हैं और ये यकीन करें महज आप लोगों के लिए कि हम अपनी रूटीन ठीक कर रहे हैं। ठीक है कि भाई हमारी फैमिली के साथ हमारा जो कॉन्टैक्ट है ना, एक वो बीच में डिस्टर्ब हो जाता है, वो ना हुआ करे। तो आपकी बहन ने इरादा कर लिया है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस मंथ में हमने टोटली रेगुलर व्लॉग्स करने हैं। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ अपने आप से भी और आप लोगों से भी कि आप लोग उस तरह का रिस्पॉन्स भी देंगे जिस तरह आप लोग मुझे प्यार पहले देते हैं, उसी तरीके से आप बल्कि उससे ज्यादा प्यार देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी बहन रेगुलर हो रही है यार, कोई छोटी बात है भलाई है भाई, हद हो गई है। अच्छा जी, दिन हमारा शुरू हो चुका है और अभी हम चल रहे हैं नीचे, नाश्ता शाश्ता करते हैं और फिर देखते हैं कि व्लॉग का क्या सीन बनता है। उठते साथ आपकी बहन ने व्लॉग शुरू कर लिया फ्रेश होते साथ, ठीक है। और अब हम चलेंगे नीचे, नाश्ता वास्ता करते हैं और फिर देखते हैं व्लॉग कहाँ को जाता है। और जब तक मैं नीचे जाती हूँ तब तक अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया हुआ है तो पहले वो कर लें, क्योंकि ज्यादती है ये, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं और सब्सक्राइब के बगैर देखे जाते हैं और उस चीज़ का नुकसान मुझे होता है, ना आपको कोई फायदा होता है ना मुझे कोई फायदा होता है। तो जब म्यूचुअल बेनिफिट नहीं है तो हम ये काम क्यों करें, राइट? तो जाके पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि बेल आइकन आपको आने वाले व्लॉग्स की नोटिफिकेशंस देता रहे, ताकि आप भूल ना जाए ना यार। अब तो रोज व्लॉग्स आने वाले हैं तो भूलोगे तो नहीं ना फिर। पहले जाके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। तब तक हम चलते हैं नीचे, थोड़ा सा आज हमने काम भी करना है, वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ, और फिर नीचे चलते हैं और फिर आगे व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओए होए, वालेकुम अस्सलाम। कोई 1.5 घंटा हो गया मुझे सलाम किए हुए जवाब। मैं थोड़ा सा काम में मसरूफ था। काम में मसरूफ थे आप जी? अच्छा जी, क्या हाल है? ठीक है, मैं ठीक ठाक। जवाब, आज पहली दफा ऐसे है कि हम इंस्टेंटेनियस व्लॉग बना रहे हैं। पता क्या क्या कि मुझे खुद भी नहीं पता कि हम क्या बना रहे हैं अभी तक। कोई रूटीन का कोई वो एग्जैक्टली मैंने ये नहीं सोचा हुआ कि आज हमने ये करना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल नाश्ता वाश्ता करते हैं, जवाद साहब भी नाश्ता करेंगे, हम भी नाश्ता करते हैं और फिर नाश्ता करके आप सुनते हैं। मुंबई, ओए अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह शुक्र, आप सुनाए? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। यार ये आपने ये क्या फोने लगाए होते हैं, क्या सेल पे लगाए हुए हैं? मैं मंगवा रहा हूँ, आज का ऑर्डर किया हुआ है चाइना से। जैसे ही आते हैं तो इंशाल्लाह, सुन लो महबूब भाई से, जब भी आएंगे तो इंशाल्लाह इधर नए लगा देंगे। अच्छा, लगाने इधर ही है? इधर ही लगाने, और कहाँ रखू? अच्छा, नाश्ता दे दें यार कुछ थोड़ा बहुत। क्या ऐसी शक्ल क्यों बनाई आपने? नाश्ता की की? कुछ भी दे दे यार, जल्दी दे दे। मैंने क्या नाम लेते हैं, मैं थोड़ा सा काम कर लूं फिर आती हूँ। आप तब तक नाश्ता नाश्ता बताएं ना मुझे। आप ऐसे करें, अंडा ब्रेड बना दें। अंडा ब्रेड, अंडा ब्रेड, ठीक है। चाय भी साथ, ओके। हम चलते हैं अभी ऊपर, थोड़ा सा काम कर लेते हैं फिर आते हैं। अच्छा तो यार नाश्ते में तो है अभी थोड़ा सा टाइम, ठीक है। तो जब तक नाश्ता बन रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना, उठ तो गए हैं अच्छे अच्छे से, बीवी बच्चे बन गए हैं, तो क्यों ना पहले हम थोड़ा सा काम शाम कर लें, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, क्योंकि एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अच्छे खासे पैसे सुकून से घर बैठ के कमा सकते हैं और दूसरों को भी मौका दे सकते हैं कि वो भी घर बैठे कमाए, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अंदर, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं बायनोमो का काम कर रही हूँ। बायनोमो ने एक अपना रेफरल प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जिससे मैंने तो अभी तक बहुत फायदा उठा लिया, मैं चाहती हूँ आप लोग भी उठाएं। तो आप हम अभी चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं वहां जाकर आपको दिखा देती हूँ कि भाई कैसे ट्रेड कर रही है, ठीक है। एक रियल टाइम ट्रेड भी करके देख लेते हैं। अच्छा जी, बायनोमो ऐप डाउनलोड करने के बाद इस तरह का एक इंटरफेस हमारे पास आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम वो चीज देख लेते हैं जिसकी मैं बात कर रही थी कि रेफरल वाला क्या सीन है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मेक योर कम्युनिटी स्ट्रॉन्गर बाय इनवाइटिंग फ्रेंड्स टू बायनोमो। इसमें आप अप टू $100 जो है वो अर्न करने की पॉसिबिलिटी रख सकते हैं बाय
पार्टिसिपेटिंग इन देयर रेफरल प्रोग्राम्स। ठीक है जी, तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को इन्वाइट करें ऑन बाइनोमो और आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। अब हम कर लेते हैं एक रियल ट्रेड। यहाँ पर हम अपने रियल अकाउंट से ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है जी, तो मुझे लगता है कि ये ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, तो हम इस पे नीचे की तरफ 10,000 की ट्रेड कर लेते हैं। लेट्स सी। नहीं जी, ये आ गई है हमारी इनकम। ठीक है जी, हमारी ट्रेड सक्सेसफुल रही है। इसके अलावा बहुत सारे लोग मुझसे डिपॉजिट्स का पूछते हैं हमेशा की तरह। दोबारा से बता देती हूँ, ये डिपॉजिट्स आप इन इंडिकेटर्स के थ्रू आप डिपॉजिट जो है और विड्रॉज जो है वो कर सकते हैं। ईजी पैसा, बैंक ट्रांसफ़र, जैज कैश, बहुत सारे ईजी इंडिकेटर्स इनके पास हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी ट्रेड को ईजी बना सकते हैं और कैश विड्रॉज और कैश डिपॉजिट्स भी इजी हो सकते हैं। ठीक है ले जी भाई, इतना सा काम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एवरीथिंग इज वेरी सिंपल, सिंपल सा इंटरफेस है। और बेहतरीन चीज, जैसे कि आप लोगों को पहले भी पता है कि भाई गजल जवाद फैमिली के लिए, देखिए कोई काम गजल करे और उसमें अपनी फैमिली के लिए कोई बेनिफिट ना रखे, ऐसे तो नहीं होता ना यार, ऐसे तो नहीं होता। तो जाकर आप गजल जवाद फैमिली का जो कोड है वो नीचे लिखा हुआ आ रहा है। जब आप अपना डाउनलोड करते हैं बाइनोमो ऐप, अपने फर्स्ट डिपॉजिट पे आपको 50% बोनस भी मिल सकता है। तो आप जाकर बाइनोमो ऐप डाउनलोड करें और ये वाला कोड अपना एंटर करना मत भूलिएगा, जो गजल जवाद फैमिली के लिए। जैसे ही आप कोड एंटर करेंगे आपको अपने फर्स्ट डिपॉजिट पर 50% बोनस भी मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये तो हो गया बाइनोमो का सीन, काम शाम हमने कर लिया। ठीक है, अभी हम चलेंगे नीचे और नीचे चल के एक नाश्ता वाश्ता करते हैं, कि मैं बूबा की कॉल आ गई कि भी नाश्ता बन गया, खा लें आकर। ठीक है, तो नाश्ते में हम मोस्टली मिल्कशेक ही लेते हैं, ज्यादा ऐसा कुछ और लेते तो है नहीं। जवाब साहब हमसे मिलते हैं और नीचे चलते हैं। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अंडा ब्रेड मैंने नहीं खाया, हमने खा लिया है मिल्कशेक। ओह नहीं सॉरी, पी लिया है मिल्कशेक। ठीक है, और जवाब साहब क्या कर रहे हैं यार? यार काम कर रहा हूं। क्या मतलब काम करूं? ठीक है बस छोड़ दें थोड़ी देर, क्या हो गया? आप भी आके बैठी हूँ, आप साथ ही टिक 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 करने लगे। आराम से बात कर लो, क्या हो गया? काम करो, कोई जरूरी काम करेंगे, काम करेंगे तो फिर आगे रमजान आ रहा है, काम करेंगे तो इनको पैसे शैसे आएंगे। रमजान तो वैसे भी आ जाना, आप काम ना भी करें तो वुमेन अच्छी थी ना? सही होता ना, अच्छी थी ना, अच्छी थी ना, बहुत अच्छी थी। मगर रमजान को गुजारने के लिए कोई पेट पूजा भी तो करनी है, पेट पूजा के लिए काम करना है, काम करनी है तो घर में लक्ष्मी है। अच्छा यार चलो ठीक है, अम्मा की तरह। अम्मा अंदर, क्यों क्या हुआ? तबीयत उनकी यार थोड़ी सी जरा डिस्टर्ब हुई है, रात जागती रही काफी देर तक। तो सुबह इनको नींद आई है, जब सुबह नींद आई है तो फिर वो बाजी आ गई जो घर का काम करती है, तो फिर मैं दोबारा जाग गई। फिर अब वो मतलब के अब वो जाग सो रही है, जाग सो रही है। बट ये है कि अंदर जाओगे तो जाग रही है, बाहर आओगे तो सो रही है, क्योंकि वो हल्की सी आवाज से बैठ जाती है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा, और ये अभी से नहीं आया, काफी देर से आ रहा है। हम अम्मा में करते हैं प्रैंक। अच्छा क्या, कैसा? बाहर आओ, हम एक बात करते हैं, रुके मैं आपको भी साथ साथ बताऊंगी, लेट्स गो। अगर तो ये हमने किया तो अच्छा जी, जो अच्छा भी रहे। हम अभी अम्मा थोड़ी सी ऑब्वियसली इनका थोड़ा सा वो हुआ है कि सो रही हैं, जाग रही हैं, वो ठीक है। हम अम्मा पे करते हैं एक प्रैंक, सुनो तो सही। हम अम्मा पे करते हैं एक प्रैंक, आप और मैं लड़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि हमारी अगर कभी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ भी है तो हमने कभी नीचे नहीं लेके आते, मतलब कि अम्मा बाबा के सामने हम कभी नहीं लड़े आज तक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो ये नई चीज़ भी होगी एक कि हम अम्मा के सामने लड़ेंगे और उनका रिएक्शन लेंगे कि वो कहती क्या है। चलो डर करते हैं, मगर ये बात याद रखना, मेरे असल में ना लड़ पड़ना, मैं मारूंगी एक, आप मेरे साथ असल में लड़ पड़ेंगे। नहीं नहीं मेरी बात सुने, हम ऐसे करेंगे ना, अभी अंदर चल के बैठते हैं तो अम्मा को मैं बुलाऊंगी कि अम्मा आज मैं मिलती हूँ व्लॉग में, उनसे मिलती हूँ, और फिर मैं कहूँगी अम्मा आज बाहर बैठते हैं थोड़ी देर ना, तो अम्मा मैं बाहर, अम्मा मैं और आप बैठे होंगे, ठीक है। और फिर मैं आपको कहूँगी यार जवाब छोड़ दिया करो कभी लैपटॉप, तुम हर टाइम लगे ही रहते हो और ये सारा कुछ, ठीक है। और फिर उस चीज़ पे हम, तुम मुझे टाइम नहीं देते और ये वो, मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ मुझे बाहर ले जाओ फलाना टाइम का नाम, उस चीज़ पे लड़ पड़ेंगे। डन हो गया, ठीक है। लो जी अब चलते हैं आराम से अंदर, अंदर चलते हैं और अम्मा को मैं बुलाती हूँ और उन्हें कहती हूँ कि अम्मा आए थोड़ी देर बाहर बैठते हैं यार, क्या अंदर क्या करना है, कोई बात नहीं शाम को सोचिएगा, ठीक ठीक है चलो लेट्स गो। तो
जब मैं मार पड़ेगी मुझे बहुत मजा आएगा, मुझे बहुत मजा आएगा। क्या मतलब? अगर तो तुम्हें मार पड़ेगी जो तो मुझे बहुत बहुत मजा आएगा। मैंने नहीं करना पड़ेगा। नहीं 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 कुछ नहीं होता। अम्मा को तंग करने का कि मुझे मार पड़वाने का। तुम्हें मार पड़ेगी ना साथ में चलो। नहीं करना। नहीं नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, जाओ जाओ कुछ नहीं होता। अच्छा जी जवाब साहब ये बैठ गए जाके ठीक है, और हम फोन सेट करने लगे हैं अपना यहाँ पे इस डब्बे के पीछे। हम अपना फ़ोन सेट करेंगे ठीक है, और फिर मैं अम्मा को अंदर से लेके आते हैं ठीक है, और फिर प्रैंक शुरू करते हैं। और सुनाए यार अम्मा क्या हाल चाल है? क्या सब ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। यार ये देखे ना यार फोन पे लगे ना लैपटॉप पे, छोड़ दो यार थोड़ी देर जवाब लैपटॉप। यार तुम्हें तो पहले ही बोल रहा था हम करो कोई खैरियत है क्या? कैसे बोल रहे हो? मैं बड़े आराम से बात काम कर रही हूँ ठीक है, थोड़ी देर बात कर लूँ फिर कर लेना काम। तो करो बात में तुम्हें कम अलग की है जी भी आ रहे तुम्हारे ड्रम में नहीं तुम्हारे खत्म होते। जवाब कैसे बात कर रहे हो यार, ऐसे बात करते हैं हम? मतलब मैंने आपने तीसरी बार पूछा है कि क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें तीन बार बता चुका मैं काम कर रहा हूँ काम कर रहा हूँ। तो ठीक है घर में बैठ के कौन सा काम होता है? तो किधर बैठ के शहर को बैठ के काम करो, ऑफिस में जाके काम किया करो, घर में भी काम रखना तुमने हर टाइम। ऑफिस का काम ऑफिस में, थोड़ा सा घर का काम था। तो एक बंदे की कॉल आई, उसने कहा मुझे अर्जेंट जरा काम चाहिए, इसलिए लैपटॉप खोल के बैठ गया, गलती होगी मेरे से। अजीब यार पता नहीं बात कैसे कर रहे हो तुम, बात तो सही से करो प्लीज। सही बात कर रहा हूं मैं यार। क्या हो गया भाई, मैं भी बैठी हुई हूं, बात देखे कैसे करें यार। मैं बैठी नहीं हुई, कोई समझ नहीं आती थानू की तकलीफ की है। मैंने पहले भी कहा यार थोड़ा टाइम दे दिया करो जवाब। बात अली अम्मा उसको भी समझाया करे, तू समझ जाएगा मेरी गलत को समझ जाएगी। मैं इस तरह अच्छा नहीं लगता, मैं बैठी तुझे बोलना शुरू हो गये हो, मसला क्या है थोड़ी दोनों का? पता नहीं ये कोई मसला है जी, तुम्हें मसला हो रहा है, मैं तो मसला नहीं हो रहा यार। मरना तेरे को डर नहीं लगता? ऐसा नहीं कही था पता कि नहीं क्या मैं अच्छा नहीं लगता तिया भैन तिया भी आना नहीं कहना। मैंने से क्या कह दिया, से मुझसे पूछा है? नहीं फिर भी नहीं कहना चाहिए था, अगर उन्होंने क्या कहना तो उन्होंने दस साल कर रही हो तेरे को बैठी तो ना गल कर यार। मैंने ने आज कहा है मुझे बता दे हमने व्लॉग क्या बनाना है, शुरू किया है मुझे कुछ थोड़ा बहुत उसका आइडिया है। तो भी थोड़ा दिमाग लगा लो, पिछले दोनों व्लॉग्स मैं ही बना के दे रहा हूं तुम्हें खुद। तो क्या हो गया इसमें, मैं ही बना के दे रहा हूं वाली कौन सी बात है? उसने पिछले भी नहीं कभी बात नहीं करी हमारे पास आई है, मैंने बार बुला के मैं खुशी ना आ गई ना मैं ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਕੋ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਬੇਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਮਲ ਤੁਮ ਵਿਆਹ ਸੇ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਤੂੰ ਕੋ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਬਸ ਰਜ਼ੀ ਹੋ ਖੁਸ਼ ਹੋ। क्या ऐसे कर रहे हो जैसे मैंने उनको काय के आगे उनको डांटना शुरू कर दिया? आप इस तरीके से बोल रहे हैं तो वो आगे से कह रही हैं। मैं किसी किसे बोलूं किसी के? ये क्या होता है जाओ उठ के, ये क्या होता है? मैं कह रहा हूँ तो यार जितनी देर तक बैठी होगी तो इस तरह ही बोलते रहना, जो कोई होता हूँ कर लो। यार मेरे बहन ये तो की हो गया है मेरी तबीयत अगे नहीं ठीक, मैं तुहाडे दोवां कोल आके बैठी तुसी हद हो गई यार, हद हो गई किसी गल दी जी। पहले भी मेरे साथ इस तरह किया इन्होंने, आप फिर वही कर रहे हैं, पता नहीं समझ नहीं आ रही। सुबह सुबह उठते साथ क्या हो गया? अच्छा तुमने क्या किया? ये क्या होता है जाओ उठ के, जो समझ आ गई ना वही होता है। नहीं क्या मैं यहाँ से पहले चली जाऊँ? क्यों तू जाएंगे अपने घर, ऐ तेरा घर है भाई, तुम खुद बोल रही हो, मैं तो तुम्हें कुछ भी नहीं बोल रहा। ये ले वो तो राजी बैठे हैं कि हाँ ठीक है चली जाओ। यार मेरा दिमाग ना खराब कर पुत्र जी, मैं उन्होंने भी समझा दूंगी लेकिन गल है नहीं जी, तू मेरे सामने जो गल कर रही है मैं अच्छी नहीं लगती है, तेन पता है मेरी कारी जब जो गल मैं अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। दो गई भाई इसको वैसे आपके प्यार ने बिगाड़ दी, कोई बात सुनती नहीं है ठीक है। क्यों नहीं सुनती? मेरा प्यार बिगाड़ता नहीं है, मेरी इज्जत करती, मैं उसकी इज्जत करी हूं, मैंने प्यार करती, मैं उसकी मां हूं और मैं तेरी मां हूं, तेन ते मैं पैदा किया, तू मेरी सुनता पे हमें
रहनी भी जा उठ के जा, उठ के जा। मैंने नहीं बोला उठ के, मैंने कहा उठ के जाओ कोई और काम कर लो। ये तो आपने कही नहीं, आपने कहा जाओ उठ के जाओ फिर चली जाओ। व्लॉग बनाई थी वही बना लो, क्या पाए किसके साथ जाके व्लॉग बना लो, तुम्हारे साथ ही बनाना ना। हद है यार, तुझसे मेरे तबीयत होर खराब कर देती है। जो भी थोड़ा प्रॉब्लम है करो, खुद सॉर्ट आउट करो। मैनु नहीं अच्छा लगता इस तरह उठ के जाओ बोलना शोलना करना। हाँ जी बताओ क्या करवाना था। प्यार ना गल कर ले, प्यार से मांगे बात कर, प्यार से प्यार से ले उन्हें कहना। हाँ बेगम दस। हाँ जी बेगम तू दसो की करवाना चाहते हैं। ऐ तो चंगा थोड़ा चुप ले। फजूल बोली जा रहे नहीं आवाज, फजूल मेरे बुला के अंदर ले आई है। असी बैठे उन्हें गल की थी तो उन्हें कहते जाओ जाओ उठ के जाओ। हूं मैनू पता है गलत एक चीज गलत है ना, मैं उसका साथ नहीं दे रही, लेकिन वो भी तो मेरे सामने गलत बोल रहा है। ये आराम से बात करो जो भी है जी। पहले भी इन्होंने मुझे एक दफा ऐसे ही कहा कि जाओ ये लो, मेरे भी नजर आती है तो उठ के भी गलती याद कर लिया करो। जो जी पहले भी यही बोला है तो ये अभी तो नहीं बोला आपने, पहले भी तो यही बोला है। क्या मैं अपनी अम्मा की तरफ चली जाऊं? ये चाहते हो तुम चली जाने? क्यों कहती हो अम्मा की तरफ जाने? ये अम्मा नहीं है, ऐसा करके भी दिखा दो। मैं कौन हूं यार? वो कह रहे हैं बात की बैठी अपनी अम्मा की तरफ चली। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं उसकी मां नहीं, मैं तेरी मां हूं। चल भाई मैं तो बड़ी बड़ी लगती बात करो ऐसी फजूल की ज्यादा गुफ्तगु नहीं करते। हर दफा उठा के बस कह देना जाओ चली जाओ अपनी मां की तरफ जाओ चली जाओ। अच्छा यार ये खुद ये असल में देखे मैंने इसको एक बार नहीं कहा, ये इसके अपने दिल की है बात जो ये बार बार। यार जवाब बस करो तुम, रहने दो मैं चली जाऊं। जवाब अली जाओ ना यार, अमल कर लो जवाब अली करती है। मैं तेरे जूती चुके मानी, मैं कभी नहीं तेरे अपनी गल की थी। मेरा दिमाग ना खराब कर तू चला जाना है, तू इतो बाहर जा, मैं तेरा मुंह कुटांगी बदतमीज। बंदे को अपनी गलती का कोई एहसास होना चाहिए, बंदा आराम से बैठा हुआ काम कर रहा है। अच्छा तुम्हारी दोनों की गलती है कि मैं भी बैठी हूं बोली जा रही हूं, तुम बुला प्यार ना उन्होंने आके ना और सुनाओ क्या हाल है। मैं आप मेरी बात तो सुने तो ना इतने पुठा जवाब देने शुरू कर देना। बंदा हंस खट के जिंदगी गुजारता है, तू कितने जाने तो बार बार देना क्या कर मां मैं मर गई हूं। खुद ही नहीं पता चलता जी क्या खैरियत है। क्या है रे, क्यों लड़ने को पड़े मुझे? क्या मसला है, क्या चाहते हो मुझसे बता दो। हाथ हो गई भाई, मैं कसम खुदा दी यार। वैसे यार ऊपर जा, ये देख क्या ऊपर जाए हो मैंने आपसे कोई बात करनी है। मैंने कोई अपने आपस में कोई बात करनी है, ये पहले भी हमारी किसी बात में पड़ती। ऊपर जाओ मैंने बात करनी है। अच्छा मैं चली जाती हूँ, मैंने ध्यान आप कर लिया बात भी बात नहीं नहीं करती मैं चली जाती हूँ। मैंने नहीं जाने देना, मेरे सीधी सी बात है। एमी बोल की गाले भाई, वैसे ही कोई बात करना चाहूँ मेरी तो बात खत्म कर। गाले लड़ाई शड़ाई मैंने नहीं बारा खांदी, मुझे नहीं अच्छा लगता मेरा घर। मैं अपनी फैमिली अब पूरी कंप्लीट करके एक बंदे की कमी ना हो जानी, ए मेनु तरीका नहीं अच्छा लग रहा। ए मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। ये भी बेटी बने ना? बेटी है मेरे साथ तो बेटी है, तेरी बीवी ठीक है। मैंने तो कह के आप ही की बने, मगर मेरे साथ भी आराम से बात कर ले। तो आराम से बात कर ना, गाल में जवाब दे सकते हो। मैंने तो क्या कहा, मैंने बताओ मैंने क्या कर क्या करना। अच्छा तो ना ये ऐसे ये जोर जोर के मार के बात ना करो। क्या करोगे ब्रदर? ये तहजीब से बात करो। तहजीब क्या है इसमें? तहजीब नहीं है, मैं कर सकती हूँ, तुम मेरे शौहर हो। अब पहले ना जवाब चुप करके बैठ जा, खबर आ जाए तो उठ के जवाब तेन मेरा पता है। मैं तेन चल रहा चल शोभा ना हो, मैं नहीं पसंद है औरतों सुरुस के जान वाली गल। आपको मैंने जगह जाना था, आपको मैंने कहा कि 10 मिनट तक चलते हैं। ठीक है, इसने कितनी बार मुझसे पूछा है क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो? क्यों तो तू 10 मिनट जवाब दे दे, हो गया तो यार पूछ लो ना भरा है बैठा।
सारे काम घर में ही होते हैं, इनको और कहीं पे कोई काम नहीं होता। ये बंद कर रही हो, क्या है, क्या मसला, क्या है ये? बिल्कुल शॉर्ट आउट करें, उसको पहले कह दूं मैं आराम से बात करूं। क्या करी, उंगली नहीं करी थी होगी, खबरदार जवाब दे दी, पागल ना बन यार, मूनल कर कर। हां वो एंगल करी जा रही, कोई गल नहीं, सिर्फ क्यों गया है ये ले यार, मैं की करा यार, वैसे हाथे मैं उधर मैं पीछे चुप करके बैठ जाऊं, फजूल तू इस सुर से उठा के बाल उठाया जे मैं काम तो कसम खुदा की मुझे नहीं काम था तो मैंने उठा के कहने की क्या जरूरत थी, पता नहीं इसको कुछ मैं आपसे प्रैंक करना सर मेरे से प्रैंक करना, हम कभी पहले वो सामने हाय करते हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, यानी बकरा बन गया देते है हो ना बाजू। हां देखिए पहली दफा मैंने प्रैंक किया है, मेरे बड़ा डरते डरते प्रैंक किया, मैं कहने का मन होने लगा काम हुआ है क्या, रोने लगी ऐसा लगा अम्मा प्रैंक हमारा, हेलो करके हाथ ला दे, मेरा प्रैंक छोटा सा प्रैंक लेकिन मैं बैठी हुई थी, उन्होंने क्या देख लेगी तुसी एकदम इतना सीरियस हो जाते हो पता ही नहीं चल रहा, तू भी इतनी बड़ी एक्टर है ना, मगर इसे मुझे ये इसे मुझे असल में किया है, असल में किया मैंने, ये हिस्सा नहीं था, ये ब्रैंक तो ना करी, मैं तो कसम खुदा नहीं तंजूती, ओए होए होए होए, ये इस चीज का तो मैं इंतजार कर रही थी, इसी चीज का तो मैं इंतजार कर रही थी, मैंने नहीं करी, नहीं तो तेरे मेरा पता वे, और तन्वे भी पता है कि मैंने वो प्यारी, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी है भाई, सारे सुन लो बहुत प्यारी है। देखिए हमने सोचा कि हम एक ब्रैंक बनाते हैं, अभी तो मैं उस चीज से ही नहीं निकल रहा कि ये दो मिनट पहले लड़ रहे थे, आपने कह दिया कैसा कैसा लगा मेरा मजाक मजाक रही मेरी आंखों में आंसू आ गए। अच्छा जी खैर हाँ लड़ाई हो अमीन, देखिए हम पहले असल में हमें ये आइडिया आया कहाँ से, हमारी आदत नहीं है कि हम लोग नीचे अपनी लड़ाई लेके आए, सही है ना, बिल्कुल हम लोग कभी भी कोई बात हो जी हमें कुछ नहीं पता होता, लेकिन बाहर गए इनको पता है कि मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती, ये सीरियस में नहीं कर सकती है ना, ये मुझे पता था इसलिए तो आप साथ प्रैंक किया, आप रोने के लिए परी में लेती हैं और थोड़ के आई मैं उनका सब आके लग गया, सचमुच लड़ने लग गए, कसम से मुझे ऐसे लगे सचमुच लड़ने लग गए, हाथ बहुत एक्टर है वैसे हूं मैं तेरी किस्मत आते ही की, हाँ है मान गई सी भाई, मैं तो मान ही गई, अम्मा कहती हूँ मैं तेरी किसे करते ही की, हाँ नहीं करना मैं, और तैनू तो मैं पूछनांगी, ये इतने सीरियस तरीके से एक बात करता है कि मैं कहूंगी अच्छा इस तरह हो गया, असल में ना मेरे में एक आर्ट है, हालांकि आर्ट नहीं गलत चीज है, एक तो मेरा शोभा भी ऐसा है, मैं बड़े पक्के मुंह से ना झूठ बोल देता हूँ, और जिस वजह से हमारी कभी कभी लड़ाई हो भी जाती है, मगर अपने कमरे में यहाँ पे नहीं, मैं दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि हमारी बीच में लड़ाई, देखो अगर मुझे झूठ अगर कई बार बोलना पड़े तो किसी का पर्दा रखने के लिए या लड़ाई से बचने के लिए मैं बोल दूं तो बोल दूं, यही नहीं कि मानो मैं झूठ ही बोलता रहूं, मैं
ਤੇ ਕਮਾ ਜਾ ਕੇ ਵਖਾ ਮੈਂ ਤੇਨੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ ਪੋਟਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲ ਨੇ ਅੱਛੀਆਂ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਪੋਗੇ और ये सीरियसली कह रही हूँ। आहो आवाज भारी हो गई है अम्मा की, इसका मतलब है कि उन्हें रोना आ गया फिर, ठीक है? तो डोंट ट्राई दिस एट होम, घर में ये नहीं करना, गलत बात होती है, अम्मा बाबा परेशान हो जाते हैं, मत किया करें, ठीक है? बाबा जी तो पता है, बाबा जी ने पता है, बाबी बार बैठी है आप मैं भी जरा तीन बार अपना किरदार दे रही हूँ, मुझे चंडो चंडी ना हो जाए मेरे साथ। बात ये उन्होंने अपने अपनी भावनाओं पे काबू रखा, भावनाओं पे कंट्रोल रखते हुए अंदर दोबारा चले। पुत्र जी, अम्मा मेरे साथ बहुत मोहब्बत करती हैं जी, बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हैं। बाप और बेटी की जो मोहब्बत होती है ना, वो डिफरेंट होती है। अम्मा मुझे कह सकती है, मैं अम्मा को कह सकती हूँ आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। बाप जो होते हैं ना, वो दिल में रखते हैं, वो नहीं इजहार करते मोस्टली, ऐसे ही अम्मा जी। बिल्कुल, बाबा का मेरे साथ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है बाबा का भी। तो अच्छी बात है, ये जो जवाद कह रहे ना कि मेरे साथ चंडो चंडी नहीं हो गए, तो ये जवाद को सच में डर था कि बाबा चंडो चंडी। जुती दूर पे ही सी, जब मैंने कह रहा मैं उठ के जाना या तू निकल जा, मैं माना जुती चुक के थे। मैंने अब जब ये जब से बड़ा हुआ, बचपन में तो होता है, मैंने इसे कभी नहीं कुछ कहा, लेकिन ए जी बकवासबाजी है ना, मैं चाहनी हूँ मेरी जिंदगी ची तो मेरे बाद भी एक कार मिसाल ही ची रवे। आमीन 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 सुमामी। और आइंदा 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 एहो जा तू ड्रामा कीता ना फिर। सॉरी सॉरी, मुझे माफ माफ कर दे मेरी। ये मेरे भी तो कहावत है, बचपन में देखा था छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी गिरावट करता था। और हम तो बहुत बड़ी गल थी वैसे, बड़ा भी समझाया ही कि मैं एक्टिंग कर रही हूं। ये है वो झूठ जिसकी अभी दो मिनट पहले बात हो रही थी, कितने पक्के मुंह से झूठ बोलो, अगले को पता ही ना चले झूठ है, झूठ बोल रहे हैं यार। अब ना खत्म हो गई है, कंट्रोल में जोर के लग रहे हैं। चलें जी, जवाद साहब के फोन आने शुरू हो गए हैं, और अभी हम लोग यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अम्मा को मैं सेट मेट कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी, आज का व्लॉग एंड करने का वक्त हुआ चाहता है। जाने से पहले हम अम्मा से पूछ लेते हैं, अम्मा हमसे नाराज तो नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। गाल लेनी जी के हो तो नाराज वाली गाल है, लेकिन आइंदा मेरे साथ ऐसे नहीं करना। अच्छा ठीक है, अभी तो कोई नाराज नहीं है ना, अभी सुलह, अभी सुलह। मुझे बता दी है ना कि अम्मा हमने प्रैंक किया, हाँ कहा था ना प्रैंक किया, हाँ, तो इसके लिए माफी, लेकिन आइंदा नहीं करना, ठीक है? अभी हमारी सुलह ओके। लेकिन आपसे लेते हैं इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, डू नॉट ट्राई दिस एट होम, गलत बात होती है, लड़ना ही चाहिए, ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए, गलत बात होती है, और अपनी लड़ाई अपने तक रखें, अपने माँ बाप तक नहीं जाने दें, ठीक है जी? ना बल्कि ऐसा नहीं हो सकता, दो बंदे लड़ो यार, लड़ो लड़ो, नहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, बट उसको इतना हवा नहीं बना लेना चाहिए कि वो लड़ाई में कन्वर्ट हो जाए और फिर वो और भी अपनी फैमिली तक भी जाए, ठीक है? तो अपनी लड़ाइयां अपने तक रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।